जे हमारी भाभी जी चलो नहीं जा रहा स्वर्ग तक नहीं जाता पूछो स्वर्ग तक ये रास्ता सीधा आसमान के ऊपर जाएगा जे रास्ता आसमान पे जा रहा है पसंद नहीं हो रहा सही बात है वीडियो अच्छी बननी चाहिए नहीं तो तेरे पैसे नहीं मिलने तेन ठीक है तेरे तनखा कटी जानी है दीदी ने भी आ जा स्वर्ग दीदी स्वर्ग का झूठा ले 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 लिया ले लिया पूजा इधर ही मेरे आ जा तो देखो गाइस ये है हमारा पहाड़ी इलाका ऐसे लग रहा है नाली खत्म ही नहीं हो रही है पहाड़ी हम पहाड़ी में ऐसे जाते हैं ओए हाय ओए हाय चल के भेगी झूठा ले लिया चलो बह जाओ ये शाह ही है हाँ हाँ मेन रोड पे पहुंच गए हम लोग हम गाइस थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करेंगे है तो मेन रोड ही है पर फिर भी थोड़ा बैठेंगे सांस भी नहीं आ रही है आवाज़ आ रही है ना तो हम लोगों को जाना है इस साइड तो इधर ऊपर को जाना भी बहुत और ये नीचे से आता था घुमावदार लेकिन हमने शॉर्टकट रास्ता लिया यहाँ से यहाँ लेकिन पहाड़ी बहुत ऊँचाई थी और यहाँ से निकल के हम जाएंगे अभी इस रोड पर सीधा हाय हाय कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे लोग तो हम पहाड़ी लोग हैं भाई हाय हमारा बहुत बुरा हाल है पर पहाड़ी लोगों को ठंडा पानी पी लिया हाय हाँ पानी तो पी के थोड़ा हो गया पर जड़े पहाड़ी जड़े हैं ना खत्म हाय है गाइस ये हमारे पीर बाबा जी का रास्ता इस साइड से जय पीर बाबा जी दी तो हम हमारे गांव के ये पीर बाबा जी हैं बहुत माने हुए बहुत श्रद्धा है लोगों की तो यहाँ पे वीरवार को लोग माथा टेकने आते हैं और जग भी होते हैं वीरवार को लोग देग चढ़ाते हैं मीठी और पीर बाबा जी बहुत ही सबकी मुरादें पूरी करते हैं आप लोगों को भी हमेशा खुश और तंदुरुस्त रखें जय पीर बाबा जी की इन्होंने ना बीज गिर जाते हाँ ये हूँ होली साइड बनाते हैं ना पहले इतना खाली था शेड तो गाइस ये पीर बाबा जी का यहाँ शेड बना है नया पहले तो नहीं बना था लेकिन जैसे बारिश वगैरह हो जाती है ना और लोग आए रहते हैं लंगर बनाना या लंगर खाना तो ये उन्होंने शेड बना दिया गांव वालों ने मिलके तो ये पीर बाबा जी पर भी डाला हुआ है तो ये नया बना है जब हम पहले आए थे तो नहीं बना हुआ था कुछ भी तो अब ये सब कुछ नया बना हुआ है देखिए तो देखो गाइस पहाड़ों में ऐसे ही पैदल चल चल के घर तक पहुंचना पड़ता है थोड़े थोड़े बादल भी हो रहे हैं
दीदी आया कुछ? कौन थे? हाँ हाँ शक्ति, ठीक। तो गाइस पीर बाबे का एक ये भी गेट है, एक उधर से रास्ता है, तो हमारे घर की तरफ से ये रास्ता है, हमारे घर को ये रास्ते जाता है, और यहाँ से ये मेन गेट पीर बाबा जी का है। जय पीर बाबा। तो ये है गुग्गा, ये एक मंदिर है गुग्गा गुग्गा जी का। तो यहाँ पे भी लोग माथा टेकते हैं, और यहाँ पे भी जग वगैरह होते हैं। ये गुग्गा माड़ी है ना? गुग्गा नौमी, गुग्गा माड़ी, गुग्गा नौमी। अच्छा, और ये है हमारे बाबा पर्थरी जी का मंदिर। ये तो हाँ शिव जी जी का और शनिदेव सभी का है, राधा कृष्ण बाबा बालकनाथ बाबा पर्थरी जी का मेन मंदिर कोकानेट में। ये तो मुझे लग रहा है कि ये तो सर्च करने से भी आप लोगों को निकल ही आएगा गूगल पे, ये होगा ये नक्शे में, हमारा गांव भी नक्शे में निकल आएगा। निकलता है, हम लोग ऊपर से देखते हैं। हाँ यहाँ पे टूरिस्ट है, हाँ घर तक दिखता हमारा आप लोगों का भी, हाँ बिल्कुल ऐसे जूम करके। तो गाइज हमारे गांव में ना दूर दूर तक टूरिस्ट आते हैं जय बाबा पर्थरी जी दी। तो ये मंदिर ना यहाँ पे जग होता है एतवार के एतवार, शनिवार को शनिदेव जी का भी होता है, और ये आप लोगों ने तो यहाँ भगवत भगवत होती है तब भी आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा ही होगा कि यहाँ भगवत होती है, तब भी आते हैं बाहर से टूरिस्ट आते हैं बहुत घूमने के लिए हमारे गांव में। तो हम तो खुशकिस्मत हैं कि हम यहाँ पे रहते हैं, हमारा अपना गांव है। तो ये बाबा जी के दर्शन करो, जय बाबा पर्थरी जी दी। मुझे थक तो नहीं गई हमारे साथ? हाँ पला दे पत्ते लेने, लेकिन इतने पूछ गए कि और पला है भी है नहीं। डंडे ना सबूत आ जाएगा गोडे तक दिखते पला, इसे कहते हैं पलाश, पलाश के पत्ते। देखिए नीचे भी ऐसे मते हैं, झोला रख दे, कुछ तो होगा ही नीचे। आहो आहो यही ना दी डंडियां, आहो दिखा पूछे ध्यान ना, जरा डंडा ले ले एक। नीचे देख पहले, हाँ नीचे देख के हाथ पे डाणी तोड़ ले, डाणी पूरी डाणी तोड़ ले पूरी। आहो हाँ खाधे हुए ना, ये पलाई है, पलाई है नहीं नहीं पत्ते पला दे, पत्ते तोड़े ना डंडी पर दिखा गोड़ी। मैं भी पिछली बार मांगो बेल ले जाऊंगी, ये देखो मैं ओ है ना, ये पला नहीं है, पला ऊपर है, ये देखो टाइट टाइट पत्ते केड़े, ये देखे ये टाइट टाइट गोल गोल पत्ते, वो है ओदी डंडी, वो देखो ओदी डंडी आगे भी होना है किथे आगे नहीं ना, तो के पला केड़े पे लगा देसी दवाई है पलाश के पत्ते। हाँ नहीं पनैर कोई हो जानवर है, पला दे पत्ते टाइट टाइट होंगे अकड़े हो जे। अच्छा। हाँ वो तो बेल थी दीदी, कहती गाजली की बेल थी वो। गाजली? हाँ गाजली गाजली भी होंगी है गजूली। अच्छा। हाँ बड़ी बुरी तरह गुजल गुजल लगती है, फिर जख्म हो जाते कुछ नहीं कर करके। देखो धुप्पा बैठ गई हो,
दीदी कड़ी पत्ता किन्ना कड़ी पत्ता है ना आहो ले जाऊंगी मैं फ्रिज च रखना तुसी लाए दीदी ये देखो पीछे किन्ना सोना डाणी है ना दीदी फ्रिज ओदे च रखने लिफाफे च अच्छा ये देखो किन्ना कुंगला कुंगला है ना नमस्ते जीजा जी क्या हाल है ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸਕੂਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੀਗਰ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਜ ਬੜੇ ਆਹੋ ਇਤਨਾ ਸੰਨਾਟਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਭਾਈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲੋ ना बाबा शुभ शुभ ही हुआ सब इतना सन्नाटा क्यों है दीदी फिर पीछा करती है तो नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए।